आप ये सोचिए कि आम जिंदगी में जब भरी सभा के बीच चार लोगों के सामने किसी व्यक्ति की चोरी पकड़ी जाती है तो उसको कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। सेम यही हुआ है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के साथ। आपको पता है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और सारे वेस्टर्न देश भारत के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रहे थे कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दे। यूक्रेन युद्ध में ये सभी देश रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और यूक्रेन को हथियार तक सप्लाई कर रहे हैं। वहीं भारत जो न्यूट्रल बैठा है हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन G7 का मेंबर है और पिछले 3 महीने से G7 देश भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो रशियन ऑयल के ऊपर जो प्राइस कैप लगाएंगे भारत उसको फॉलो करे और उसी प्राइस कैप के अंदर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करे। खुद के बारे में ये देश बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने तो 6 महीने पहले घोषणा ही कर दी थी कि उसने रशियन ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन अब ब्रिटेन की चोरी पकड़ी गई है और चोरी का तरीका जानकर आप सभी हैरान होंगे कि ब्रिटेन किस तरीके से कुछ मिलियन डॉलर्स बचाने के लिए रशियन ऑयल परचेज कर रहा था जो कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर उसको मिल रहा था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर याहू न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूनाइटेड किंगडम ने चोरी छुपे कई मिलियन डॉलर्स का रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया है। दिक्कत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि ब्रिटेन ने इसी साल मार्च महीने में रशियन ऑयल के ऊपर पूरी तरह से बैन की घोषणा कर दी थी। इवन रशियन शिप्स और ऐसे शिप्स जिसमें रशियन ऑयल हो वो भी ब्रिटेन के पोर्ट के ऊपर बैन कर दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स पिछले कुछ महीनों से क्रूड ऑयल की कंट्री ऑफ ओरिजिन का डेटा मेंटेन ही नहीं कर रहा था, यानी ये नहीं देखा जा रहा था कि क्रूड ऑयल कौन से देश में प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि ये डेटा कंपाइल किया जा रहा था कि ब्रिटेन में क्रूड ऑयल की शिपमेंट कौन से देश से आई है। इसी में सारा झोल किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन ऑयल को लेकर शिप्स पहले ग्रीस जाया करते थे, वहाँ जब वो ग्रीस वाटर्स में पहुँचते थे तो वहाँ पर एक दूसरा ग्रीक कंपनी का खाली शिप वेट कर रहा होता था। उसके बाद दोनों शिप्स को साथ में एंकर किया जाता था और फिर रशियन ऑयल को ग्रीक टैंकर शिप में ट्रांसफर किया जाता था। इस प्रोसेस में पूरे 36 घंटे लगते थे। 36 घंटों के लिए दोनों टैंकर शिप्स दो पाइप्स के साथ कनेक्टेड रहते थे। फिर जब रशियन शिप से ऑयल खाली करके ग्रीक टैंकर शिप में पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता था तो फिर रशियन शिप वापस रशिया की ओर चले जाता था और जो ग्रीक शिप होता था वो ब्रिटेन के पोर्ट्स के ऊपर जाकर वहां पर रशियन ऑयल को डंप करता था। इस तरह से कुल 919 मिलियन डॉलर्स का रशियन क्रूड ऑयल अभी तक ब्रिटेन के पोर्ट्स के ऊपर उतर चुका है। ब्रिटेन में जब वो रशियन ऑयल पहुंचता था उसको नीदरलैंड्स और बेल्जियम के नाम पर रजिस्टर किया जाता था, यानी ब्रिटेन की ऑयल कंपनीज भी सस्ते रशियन क्रूड ऑयल को खरीद रही थी, यानी कि ब्रिटेन की ऑयल कंपनीज भी सस्ते रशियन क्रूड ऑयल को परचेज कर रही थी और ये सब हो रहा था ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे। अब ये खुलासा होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के सामने एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही खबर सामने आई है ऋषि सुनक ने घोषणा की है कि वो रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने वाली सभी कंपनीज के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा देंगे। ये वही ब्रिटेन है जिसकी सरकार ने भारत के ऊपर आज भी दबाव डाला है कि हम G7 द्वारा निर्धारित प्राइस कैप को फॉलो करें। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को G7 देशों द्वारा निर्धारित प्राइस कैप को फॉलो करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।